प्रो का आप लोगों के लिए एक ऑनेस्ट सा रिव्यू देने वाला हूँ। तो वीडियो में काफी चीजें इंटरेस्टिंग भी हैं, तो वीडियो को पूरा देखना एंड एंजॉय करते हुए देखना। तो गाइस आज की वीडियो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अपना GoPro। मैंने 3 दिन पहले अपना GoPro जो है बुक किया था फ्लिपकार्ट से एंड आज वो आ चुका है सक्सेसफुल। तो मैं आप लोगों को अपना GoPro अनबॉक्स करके दिखाऊंगा एंड उसका रिव्यू भी दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा GoPro का जो है बॉक्स है फ्लिपकार्ट से जो आया था, मैंने मंगाया है और ये आज हमारे पास आ पहुँचा है। आज 10 तारीख है और ये मैंने बुक किया था 7 तारीख को। तो चलो इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। वैसे आपको दिखाने से पहले मैंने इसको एक बार खोल लिया है, तो देख लेते हैं। 4K वाईफाई एक्सनेबल कैमरा है ये, आपकी जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ मैं आपको। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, इस पर आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो 4K स्पोर्ट्स एंड अल्ट्रा HD DV 360 16 मेगापिक्सल का ये कैमरा है एंड 4K 3 FPS क्वालिटी को जो सपोर्ट करता है। 32 GB का मेमोरी कार्ड इसमें डाल सकते हो एंड 170 डिग्री इसको घुमा सकते हैं। वाईफाई कनेक्टेड है ये फुल ऑफ एंड इसका पता नहीं मेरे को। पैकिंग भी इसकी ज़्यादा खास मुझे लगी नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा नहीं है। वैसे ऊपर से तो ये बहुत अच्छा दिख रहा था मेरे को, जैसा देखने में लग रहा था। एंड ये हमारा GoPro जिसकी हम आस लगाए बैठे थे 3-4 दिन से, आज इसको हम टेस्ट कर लेंगे। वाओ, देखने में काफ़ी कूल लगता है ये ऐसे। एंड इसको अभी एक साइड में रखते हैं हम अपने GoPro को। और ये हमारा एक पोती पत्रा जिसको हम बोलते हैं वो, तो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको बता ही दूंगा, इसको भी एक तरफ रख देते हैं। और ये हमारे कुछ GoPro के वाटर प्रूफ बनाने के लिए GoPro को उसके कुछ इक्विपमेंट्स हैं एंड ये इसको बैंड बांधने के लिए कुछ चीज़ें दी हुई हैं और ये उसके नीचे लगाने के लिए कन्वर्ट करने के लिए उसका सिस्टम। ये आपके उसमें DSLR वाले माइक में या फिर DSLR वाले सॉरी स्टैंड में लगा सकते हो आप इसको बाइक इसको। एंड ये बात ये उसके डायरेक्ट DSLR ये जो अंदर GoPro रखा हुआ है इसको निकालने के बाद इसमें लगा सकते हैं आई थिंक, हाँ ऐसा ही है। एंड इसको आप बैंडल वगैरह में लगा सकते हो, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। इनको रखते हैं हम लोग एक तरफ। अब टेस्टिंग करने की बारी आती है हमारे GoPro की एंड आप लोग इसमें देख सकते हो बटन्स वगैरह की जगह पर हमें ये दिए हुए हैं। और ये पूरा कैबिनेट जो हमें मिलता है ना, ये पूरा वाटर प्रूफ कैबिनेट है। इसमें वाटर जाने के लिए या एयर जाने के लिए बाहर से कहीं पर भी जगह नहीं है। ये फुली ऑफ सील पैक्ड है, तो इसमें खतरे का मतलब पानी जाने का खतरा बिल्कुल जीरो के बराबर है। एंड यहाँ से आप लोग बटन्स को भी प्रेस कर सकते हो। ओके, तो अभी हम यहाँ से इसको चेक कर लेते हैं चालू करके। यहाँ पर आप बटन चेक कर सकते हो, ये जो जल रही है चालू हो चुका है, ये मेरे में वेलकम दिखा रहा है इसको। एंड इसमें SD कार्ड नहीं है, SD कार्ड डाल के मैं अभी आपको दिखाऊँगा कैसे रहे इसकी क्वालिटी आती है, वो भी चेक करवाऊंगा मैं आप। गुड बाय। इसको खोलते कैसे हैं, यहाँ से इसको मैं खोल लेता हूँ। एंड ये है हमारा असली GoPro, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर आप लोगों को 2 चार्जिंग केबल्स लगाने का सिस्टम मिल जाता है एंड एक है हमारा चिप लगाने का सिस्टम। यहाँ पर एक हमें वीडियो स्टार्ट या फिर ओके बटन मिल जाता है, एक ये हमारी लाइट है और ये ऑन ऑफ करने का बटन है एंड मोड वगैरह भी इससे ही हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अप डाउन करने का सिस्टम है, वाईफाई कनेक्ट करने का सिस्टम है और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं इसमें। अभी इसकी बारी आती है हमें क्वालिटी चेक करनी है इसकी, किस तरह से ये जो हम इससे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं क्या ये उस पर खरा उतरेगा। तो इसकी क्वालिटी को हम लोग चेक कर लेते हैं पहले। ओके, तो हम इसको यहाँ से ऑन कर लेते हैं, सिंपल सा ऑन हो चुका है ये हमारा, वेलकम दिखा रहा है। तो देख सकते हो इसमें पहली चीज़ हमें दिखाई दिया है क्या, इसे फॉर्मेट कार्ड, तो हमें इसको फॉर्मेट करना है अभी। तो वैसे इसमें हम एक बार में 30 मिनट का टाइम इसमें सेट है, उसको हम कर सकते हैं, भले ही इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं तब ये काफ़ी देर का टाइम जो है देता है हमें। तो इसको हम अभी थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड करके देख लेते हैं, अपनी वीडियो ही रिकॉर्ड करके देखूँगा मैं इससे, अभी मेरी वीडियो जो चालू है।
तो गाइस आप लोगों को मैं इसकी वीडियो अपने GoPro पे भी उसके एंड लास्ट में करके दिखा दूंगा, तब आप लोग देख लेना कि मैं इसमें जो है कैसे बोल रहा हूँ। एंड मेरी जो वीडियो शूट देख रहे हो आप, वो बोलिए मेरे एक फोन से, फोन का मैं नाम नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा फिर। और ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये है मेरी GoPro, तब आप दोनों में अंतर समझ सकते हो। GoPro की क्वालिटी दिखाने से पहले हम लोग इसको अलग अलग जगह पर रखकर निहार लेते हैं एक बार, और अलग अलग जगह पर रखकर देखते हैं कि इसका व्यू कैसा आता है। आप लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एंड विंडोज 11, 10, 7 इनसे रिलेटेड अगर एक्सपेरिमेंट्स देखना पसंद करते हो एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हो, तब आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप लोग मेरे से विंडोज 10 एंड विंडोज 11 से रिलेटेड कुछ भी कंसल्टेंट करना चाहते हो, तब आप लोग मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप लोग उससे मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड पर्सनली मैं गाइस आप लोगों को गाइड करूंगा पूरा, एंड उससे रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है मैं उसको एंडस्क या किसी भी टीवी वर्स से आपको फिक्स करके दिखाऊंगा। तो गाइस अब बारी आती है हमारे GoPro की क्वालिटी को टेस्ट करने की, और इस क्वालिटी को मैं आपको टेस्ट करने के बाद भूपेंद्र का जो iPhone 11 Pro है मैं उससे भी कंपैरिजन करके दिखाऊंगा किसकी क्वालिटी बेटर है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन। तो गाइस आप लोगों को मैं इसकी वीडियो अपने GoPro पे भी उसके एंड लास्ट में करके दिखा दूंगा, तब आप लोग देख लेना कि मैं इसमें जो है कैसे बोल रहा हूँ। एंड मेरी जो वीडियो शूट देख रहे हो आप, वो बोलिए मेरे एक फोन से, फोन का मैं नाम नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा फिर कभी। और ये जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये है मेरी GoPro, तब आप दोनों में अंतर समझ सकते हो। अब तुम दिखाओ भूपेंद्र अपना आईफोन। मतलब उसके फोन का नाम है आईफोन, जैसे तेरा चेहरा मोती सामान और मोती मेरे कुत्ते का नाम, वैसा ही वाला सिस्टम इसमें भी है। इसने अपने फोन का नाम ही आईफोन रख लिया है। मेरे हिसाब से ये इस GoPro के लिए किसी आईफोन से कम भी नहीं है, बिकॉज GoPro में जितनी गंदी क्वालिटी आती है ना, वो शायद ही किसी और में आती हो। ये वाला GoPro तो भाई बिल्कुल बेकार है। इधर से दिखाओ, इधर से, इधर से, इधर से, ए इधर से। और ये इस GoPro के लिए iPhone 11 Pro ही है, इससे 10 गुना बेहतर तो ये इसका फोन ले रहा है फोटो। बस इससे ज़्यादा मैं और नहीं कर सकता। गाइस मैंने आप लोगों को इस GoPro की बिल्कुल से डीप से सच्चाई दिखा दी है। अगर आप अभी भी इसको परचेज करना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर परचेज कर सकते हो। मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा, बिकॉज इसकी क्वालिटी आप लोगों ने देख ही ली थी। इसकी जगह पर आप इस वाले अगर GoPro को परचेज करते हो ना, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको दें, इसमें आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाएगी इस वाले GoPro की कंपैरिजन में। इसमें फंक्शनलिटी भी ज़्यादा है उस वाले GoPro की कंपैरिजन में। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो टेक्नोलॉजी से भरी हुई वीडियोज़ को देखने के लिए, तब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो। मैं तो आपको किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। अरे भूपेंद्र अपने आईफोन में मेरा चैनल और सब्सक्राइब कर दियो बेटे जाते जाते।